सब्सक्राइब करें श्रवण लेक्चरर चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन कैसे भरते हैं। मैं क्लास टेंथ का 10 महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन लिया है और उसमें हम लोगों को भरना है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इन 10ों को आप लोग आसानी से भर सकते हैं और मैं आप लोगों को आसानी से इसे दिमाग में बैठा दूंगा। केवल आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए। दोस्तों, ये जो 10 प्रीपोजिशन है इम्पॉर्टेंट हैं और ये मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा कि आप लोगों के लिए हमेशा याद हो जाएगा, केवल आप लोग इस पर्ची के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना। आइए हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक। ठीक है, ये संबंध करता है। ठीक है, लग कर तो संबंध सूचक। दोस्तों, आप लोग केवल वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहला देखिए, डिड यू लिसन, फिर यहाँ हमें एक प्रीपोजिशन छोटा सा भरना है। ठीक है, डिड यू लिसन, फिर हमें यहाँ प्रीपोजिशन भरना है, व्हाट आई सेड। अब यहाँ हम क्या भरें? तो दोस्तों, आप लोग एक बात ध्यान में रखिए कि जो लिसन है उसके साथ हमेशा टू लगता है। डिड यू लिसन, लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। अगर कहीं भी आप लिसन देखें तो वहाँ आप लोग आसानी से टू लगा सकते हैं और आपका प्रीपोजिशन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, यहाँ आप लोग लगा सकते हैं टू, यहाँ आप अगर लगा दें टू, और आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम में कलर पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा आता है, दूसरा हमारा है हु इज नोकिंग द डोर। दोस्तों, अगर ये शब्द कहीं पर आए, नोकिंग का अर्थ होता है खटखटाना। ठीक है, तो आप लोगों को इसके साथ एट लगा देना है। क्या लगाना है? एट। इसके साथ जो है हमेशा एट लगता है। एट एक प्रीपोजिशन है, आप लोग समझ लीजिए, ये एट एट लग जाएगा। नोकिंग के साथ हमेशा एट लगता है, आप लोग इसे बात को ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, और हमारा अब अगला आता है, अगला हमारा आता है दे आर सर्टिफाइड योर प्रोपोजल। ठीक है, तो ये जो सर्टिफाइड के साथ हमेशा क्या लगता है? विथ लगता है। हमेशा जो सर्टिफाइज है इसके साथ आप लोग विथ लगा दीजिए। कैसा भी क्वेश्चन हो, वहाँ आप लोग सर्टिफाइज आ गया तो वहाँ आप लोग विथ लगा दीजिए। ठीक है, याद हो गया। इसे आप लोग ये देखिए, इसकी सहायता से आप लोग लर्न कर लीजिए कि लिसन अपने नोट में उतार लीजिए। लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, नोक के साथ हमेशा एट लगता है, सर्टिफाइज के साथ हमेशा विथ लगता है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम लोग इंपॉर्टेंस 10 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला चौथा क्वेश्चन है मैनी पर्संस हैव डाइड। अब यहाँ आप लोगों को एक प्रीपोजिशन भरना है। ये आपका लिखा है चोरेरा, लेकिन इसे हम लोग कॉलरा कॉलरा, ठीक है, कॉलरा। तो कॉलरा से यानी कि बहुत सारे पर्सन की मृत्यु हो गई, तो यहाँ आप लोगों को क्या भरना है? आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि डाइड के साथ हमेशा आफ लगता है। अगर कहीं आप लोगों को डाइड का शब्द दिखे तो हमेशा आप लोग आप लगा दीजिए। अब आप लोग ऐसे दोस्तों एक छोटी सी कॉपी लीजिए अपना, और यहाँ आप लोग क्या कीजिए, लिखिए लिसन, लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, ऐसे आप लोग लिख दीजिए। नोकिंग, नोकिंग के साथ हमेशा एट लगता है, ऊपर लिख दीजिए इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, और आप लोग ले लीजिए सर्टिफाइड। और सर्टिफाइज के साथ हमेशा विथ लगता है। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लीजिए एक नोट में। ठीक है, आगे देखते हैं मैनी पर्सन हैव डाइड, यहाँ आप लोग आफ लगा दीजिए, डाइड के साथ आफ लगता है। और हमारा अगला आता है ही हैज बीन लिविंग हियर, फिर यहाँ आप लोगों को एक प्रीपोजिशन भरना है 1960, यानी कि जो 1960 से वो यहाँ रह रहा है। तो भाई, जो आपका 1960 है एक निश्चित समय है कि हाँ 1960 से रह रहा है, तो ये आपका एक निश्चित समय है। और आप लोग एक बात सुने होंगे, निश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? निश्चित समय, निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं। यह आप लोग टेंस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाएंगे। तो अगर आपका निश्चित समय है तो हम क्या लगाएंगे? सिंस।
और अगर अनिश्चित होता तो हम फॉर लगा देते, बट अनिश्चित समय नहीं है तो यहाँ हम सिंस लगाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आप लोग एक एक को कंप्लीट कर लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए घर पर, ठीक है। ही हैज लिविंग हियर, अब यहाँ आप लोगों को लगाना है सिंस, सिंस 1960 ईस्वी से, ठीक है, सिंस 1960। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, फिर यहाँ एक प्रीपोजिशन बनना है सेवन ईयर। अब भाई सेवन ईयर किस सेवन ईयर से रह रहा है, 2019 से, या आप लोग समझ लीजिए 1998 से, या कब से? तो ये आपका जो है अनिश्चित समय है, ये आपका अनिश्चित समय है, जबकि ये आपका 1960 निश्चित समय है। अगर आपका 1960, 2001 एंड 1832 इस टाइप से आए तो वो आपका निश्चित समय है, और अगर सेवन ईयर फोर हावर इस टाइप से आए तो वो आपका अनिश्चित समय होता है। तो यहाँ आप लोग लगा सकते हैं फॉर, ठीक है, फॉर आप लोग लगा दीजिए, यहाँ आपका सही रहेगा प्रीपोजिशन, ठीक है। ऐसे आप लोगों को दो में दो अंक मिल जाएंगे, क्योंकि दो अंक का पूछा जाता है, अगर ऐसे आसानी से भरेंगे तो आपका दो में दो अंक मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ आप लोग समझिए, ही शुड नॉट लाफ अदर्स, यानी कि लाफ के साथ हमेशा क्या लगता है, एट लगता है। अगर आप लोगों का कुछ दूसरे टाइप से क्वेश्चन है तो आप लोग लाफ आए तो वहाँ एट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं एक मतलब दूसरे टाइप से क्वेश्चन लूँगा, जैसे नोक है, नोकिंग का, यानी कि हु इज नोकिंग एट द डोर, यानी कि हम उसमें दूसरे टाइप से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, और आप लोगों को समझा देंगे। तो देखिए आप लोग, वी शुड नॉट लाफ अदर्स, तो इसके साथ हमेशा एट लगता है, ठीक है, एट लगता है, और यह आपका हो गया। अगर आप लोग एड भरते हैं दो में दो अंक मिल जाएगा। अगला देखते हैं, आठवां क्वेश्चन, ही वाज एडमिटेड, अब यहाँ आप लोगों को एक प्रीपोजिशन भरना है, संबंध सूचक भरना है, और आगरा कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ हम क्या भरेंगे, यहाँ आप लोग समझिए, इसके साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। अब दोस्तों एक बात समझिए, ये अगर आप लोग किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं तो लगभग उस बुक में होंगे कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस जिसके साथ हमेशा लगते हैं, ठीक है। जैसे लॉफ के साथ हमेशा लगता है एट, सर्टिफाइज्ड के साथ हमेशा विथ, डाइट के साथ ऑफ लगता है, एंड ऐसे आपके कई सारे होंगे। उसे आप लोग खोल के अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो। तो यहाँ आप लोगों को टू लगा देना है, ठीक है। अब हम ऐसे दो एक क्वेश्चन और देखेंगे, और एक क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग इसे भी ऐसे नोट कर लीजिए जैसे मैंने ये, ठीक है। यहाँ आप लोग देखिए, जैसे आप लोग यहाँ तक नोट किए, अब 1960 आ गया, तो यहाँ आप लोगों को सिंस लगा देना है 1960 ईस्वी से, ठीक है। ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, ये हमेशा लगने वाले हैं, और यहाँ आप लोग सेवन ईयर आ गया, या सेवन ईयर, ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को फॉर लगा देना है, ऐसे आप लोग नोट्स कर लीजिए, और अगर आपका लाफ आ गया तो आप लोगों को एट लगाना है, ठीक है, ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए, और आपका अगर आ गया एडमिटेड तो आप लोगों को टू लगाना है, अगर आपका अवॉइड आ गया तो क्या लगाएंगे दोस्तों, अवॉइड आ गया तो क्या लगाएंगे, अभी हम नहीं पढ़ाए हैं इसे, हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन में। और नाइन्थ क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से देखिए, नाइन क्वेश्चन हमारा अवॉइड पर ही है, और अवॉइड वाला क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए लिखा है, वी शुड ऑलवेज अवॉइड द रूल ऑफ ट्रॉफिक, ठीक है, वो जो है रूल ऑफ ट्रॉफिक, वो हमेशा रूल ऑफ ट्रॉफिक यानी कि ट्रॉफिक के रूल को अवॉइड करता है, ठीक है। तो अब आप लोग समझिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ आप लोगों को लगाना है बाई, हमेशा अगर आपको अवॉइड कहीं दिखे, प्रीपोजिशन भरना है तो वहाँ आप लोग बाई लगा दीजिए, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ऐसे आप लोगों को दो में दो अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक बार और दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को मैं दे देता हूँ, उसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। देखिए प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध सूचक, और आप लोगों को यहाँ देखिए लिसन के साथ, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, मैं हाईलाइटेड कर लेता हूँ, देखिए लिसन के साथ जो है दोस्तों हमेशा टू लगाना है, ठीक है। अब आप लोग नोट कर लीजिए, लिसन के साथ टू, नोकिंग के साथ एट, ठीक है, सर्टिफाइज्ड के साथ लगाना है विथ, ठीक है, अच्छे से देखिए, डाइट के साथ ऑफ, एंड यहाँ आप लोगों को इसके साथ यानी कि निश्चित समय 1960 के साथ सिंस, और यहाँ आप लोगों को सेवन ईयर के साथ फॉर लगा देना है, एंड लॉफ के साथ आप लोगों को एट लगा देना है, ठीक है।
लव्स के साथ, और एनिमेटेड के साथ आप लोगों को टू लगा देना है, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है यानी कि अवॉइड, अवॉइड के साथ आप लोगों को बाय लगा देना है। और यहाँ आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। सम बॉडी इज नोकिंग द डूर, तो सम बॉडी इज नोकिंग द डूर। अब हम भाई यहाँ कौन सा प्री भरें, यानी कि प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन भरें कि करेक्ट होगा, इसे मैंने अभी इसी वीडियो में आगे पढ़ा दिया है कि नोकिंग के साथ क्या लगता है। अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं लास्ट तक तब आप लोग इसे समझ पाएंगे और अच्छे से भरना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे कई सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस का एक वीडियो बन चुका है, उसे आप लोग जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब आप लोगों का वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस पर भी वीडियो आएंगे, लेकिन आप लोग इस पर अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिए। आप लोग अच्छे से देखिए, वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना जिसको इसकी ज़रूरत है अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।